प्राथमिक विद्यालय कलकली बारा में ज्वाइनिंग किया, उस समय स्कूल की स्थिति बहुत दयनीय थी। वहाँ पे एक सहायक अध्यापक और एक शिक्षा मित्र थे और बच्चों का नामांकन तो बहुत ही कम था, लगभग 38 से 40 के बीच में बच्चे नामांकित थे और उनका ठहराव जो है वो और भी अल्प था और उनके अंदर जो स्वच्छता था वो तो कह सकते हैं कि गंदगी से इतने ज़्यादा पीड़ित थे वहाँ के बच्चे कि 2-3 बच्चे काफ़ी हद तक उन्होंने बहुत समस्याओं से जूझा इस स्थिति में। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए मैंने अपने स्कूल में पहले तो जो स्थिति थी उसके बावजूद उसको पुट्टी कराकर, रंगाई पुताई कराकर, चारों तरफ उसमें वॉल पेंटिंग बनवाया, हर क्लास को एक स्मार्ट क्लासरूम की तरह डेवलप किया, उसमें अपने हाथों से मैंने अपने क्लासरूम में इनोवेटिव वॉल पेंटिंग किया। मैंने सबसे पहले सफाई और स्वच्छता को व्यवहारिक जीवन में उतार कर बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने का प्रयास किया। उसके लिए बच्चों को हैंड वॉश सिस्टम स्टार्ट किया। 60% से ज़्यादा बीमारियां जो है गंदगी से होती है, हाथ न धुलने से होती है, इसके लिए बाल्टी में नल लगवा के प्रतिदिन साबुन से हाथ धोने का एक सिस्टम शुरू किया। बच्चों को टाई बेल्ट वितरित किया ताकि वो भी प्राइवेट स्कूल के बच्चों की तरह अपने आप में एक स्वावलंबी महसूस कर सके कि आत्मविश्वास के साथ भरकर प्रतिदिन स्कूल आए। प्रतिवर्ष उनका जो है बाल कटाना शुरू किया, नाई बुलाकर बच्चों में रिबन बांटे, उनके बाल बांधना शुरू किए जिससे वो वास्तव में जीवन जीने का ढंग सीख सके। इधर का जो स्थिति है पेयजल का वो फ्लोराइड युक्त पानी है तो बच्चे के दांत बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों को ब्रश और टूथपेस्ट वितरित किया स्टार्टिंग में कि एक बार उनको एक अच्छी आदत सिखा दी जाए और उसके बाद वो धीरे धीरे वो करके आने लगे, तो इससे काफी हद तक बदलाव धीरे धीरे आने लगा बच्चों की स्थिति। शारीरिक, आर्थिक और मानसिक श्रम करके स्कूल को पौधारोपण करती रही और स्कूल को बिल्कुल हरे भरे स्कूल के रूप में कन्वर्ट कर दिया जिससे स्कूल का एटमॉस्फेयर जो है वो एकदम हरा भरा रहे और आज स्थिति जो है हरे भरे विद्यालय की। स्कूल और समुदाय की भागीदारी बढ़ाते हुए कई कार्यक्रम ऐसे रखे जो डायरेक्ट गार्जियनों के संपर्क में आकर वो बच्चों और अभिभावक पेरेंट्स का तीनों का एक ऐसा सर्कुलर बने कि शिक्षण की प्रक्रिया जो है और भी अधिक बोधगम्य, सरल और पारदर्शी बन सके। जब से मैडम वर्षा रानी गई हैं तब से वो स्कूल अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित कर रही है, एकदम साफ सुथरा। स्कूल का प्रांगण भी एक नंबर का है और उसमें बच्चे, सबसे बड़ी खूबी है कि वो स्कूल में बच्चे ड्रेस से आते हैं, एक समय से आते हैं और सब अध्यापक भी टाइम से आकर अपना सेवा दे रहे हैं।